आज मैं iPhone 14 Pro Max 3 में लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो आज मेरे पास दो iPhone 13, एक iPhone 12 और एक iPhone 13 Pro है। तो सबसे पहले मैं मेरे नजदीक के Apple स्टोर में चले गया और वहां जाते ही मैंने MacBook और iPhone ट्राई कर लिया। मैं Apple प्रोडक्ट यूज करके कैसे लग रहा है? क्या? और वहां पर सारे ही MacBook में हमारी वीडियो चला दी। उनके एग्जीक्यूटिव के पास गया और चारों फोन दिखा दिया और बोला इसके कितने पैसे आएंगे, और उधर पता चलता है कि ये iPhone खरीदते ही नहीं है। तो काफी दुख में मैं दूसरे Apple स्टोर ढूंढने लग गया। उस दिन तो कुछ मिला नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे यही चार फोन लेके मैं निकल गया। वहाँ पर मैंने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया और फटाफट एग्जीक्यूटिव को दिखा दिया कि ये चार फोन है और बताओ आप इसके कितने पैसे दे पाओगे। तो वहाँ पर मुझे iPhone 13 का 43,000 मिला, iPhone 12 का 35,500 और 13 Pro का 68,500। तो मुझे 900 रुपए और देने पड़ेंगे ये चार फोन बेचने के बाद भी। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि ये डायनेमिक आइलैंड के लिए इतना फोन बेचना वर्थ इट था कि भी नहीं। और ऐसे क्विक रिव्यूज देखने के लिए क्विक लुक को फॉलो कर लेना।